क्योंकि तो बच्चों को जब ये चीज पता चल जाएगी कि हमको 2 सप्ताह से ऊपर खांसी वाले जो भी मरीज है घर में मौजूद या बीमार है तो उसको जांच के लिए भेजना है, तो फिर वो हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जांच के लिए आएंगे और अगर डायग्नोस होंगे तो तुरंत इलाज के रखा जाएगा। टीबी से जुड़ी हुई जांच और इसका इलाज पूरा निःशुल्क है। टीबी कई प्रकार की होती है, एक साधारण टीबी होती है, एक एमडीआर टीबी होती है बिगड़ी टीबी, और एक एचडीआर मतलब एक्सट्रीमली डायजेस्टिव बहुत बिगड़ी टीबी। सब में सबका इलाज जो है स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से होता है। बिगड़ी टीबी का इलाज भी हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डीआरटीबी सेंटर, अगर हम अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो जिला क्षय रोग केंद्र हमारे डीटीसी पुराना अस्पताल परिसर में है, डीआरटीबी वार्ड, जो भी मरीज जिनका टीबी का इलाज चल रहा है और उनकी जांच में बिगड़ी टीबी निकलती है तो इनका इलाज हमारे जिला अस्पताल में डीआरटीबी वार्ड के नोडल डॉक्टर शोभित अग्निहोत्री साहब है, तो हम मरीज को वहां पर भर्ती करते हैं और यहीं से उनका जो है सारी जांचें करा करके बिगड़ी टीबी का इलाज चालू होता है। अगर उसके बाद जो मरीज बिगड़ी टीबी में चल रहे हैं और उनको और ज्यादा दिक्कत होती है और जांच में ये पाया जाता है कि वो दवाइयां उनके काम नहीं कर रही है, तो उसका नोडल सेंटर हमारा मुरारी लाल चेस अस्पताल हैलेट का है, वहां पर भेज करके हम उनका इलाज करते हैं। प्रत्येक टीबी मरीज को 500 रुपये महीने के हिसाब से पोषण भत्ता निश्चय पोषण योजना के तहत दिया जाता है, और ये जो है अगर किसी मरीज का 6 महीने का इलाज है तो 6 महीने के लिए, जैसे गांठ की टीबी या पेट की टीबी हुई तो 9 महीने, हड्डियों की टीबी का इलाज कभी कभी 1.5 साल तक रहता है, तो जितने समय के लिए उसका इलाज चल रहा है उतने समय तक उसको 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर हमने विगत 3 साल के उपलब्धियों को देखें तो हमारे यहाँ 2019 में कोई 6 रोगी, 4697, 2020 में 4600, कोविड की वजह से थोड़ी कमी आई लेकिन 2021 में फिर हम लोगों ने इसको स्केल अप किया और लगभग 5000 रोगी डायग्नोस किए गए। इस समय वर्तमान में आज की तारीख में हमारे यहाँ 3842 छह रोगियों का इलाज चल रहा है, 73 मरीज हमारे पास 3842 दिया हुआ, जो हमने आपको कंप्लेंट दिया उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो क्योंकि ये होता है किसी का 6 महीने का ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो इलाज से बाहर हो गया। आज भी जैसे मैं सुबह भी ओपीडी देख कर आ रहा हूँ तो सुबह के टाइम में ही 2-3 घंटे में 3 मरीज नए निकले तो नए एनरोल हो गए, तो डेली हमारे पास जो मरीज का ट्रीटमेंट खत्म होता है वो बाहर होते हैं, लेकिन कल शाम का ये डेटा मेरे पास है, वर्तमान में 3000 की दवा बराबर चलेगी। इसका ये स्केल अप माना गया है कि 2 साल तक अगर कोई भी आदमी टीबी मरीज के संपर्क में विगत 2 वर्षों में आया है तो उनको टीबी होने की संभावना 10% के आसपास होती है, तो उनको टीबी के वही मरीज आगे चल करके टीबी के मरीज रहते हैं। तो कहा ये सरकार ने कि अगर हम जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको उसी टाइम की स्क्रीन कर लें और बचाव की दवा उनको दे दें, तो अगर टीबी का बैक्टीरिया भी उनके अंदर घुस गया है तो उस समय अवधि में वो खत्म हो जाएगा, आगे वो टीबी के मरीज नहीं बनेंगे। अच्छा, एक नई चीज़ इसमें है, अभी तक बिगड़ी टीबी के मरीजों के कॉन्टैक्ट्स के बचाव का नहीं था, इसमें अगर बिगड़ी टीबी का भी मरीज होगा तो उनके जो कॉन्टैक्ट होंगे उनको भी बचाव के लिए